कहाँ चढ़ा सुबह सुबह? स्कूल नहीं जाना आज? नहीं। पहले दिन, दूसरा दिन है छुट्टी। राम राम राधे राधे। वेरी गुड। यहाँ क्या कर रहा है भैया? मजे। ये कौन से मजे हो गए? मैं और प्रिया मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अच्छा हाथ दो। क्या लाए मम्मा? पापा के लिए मीठी मीठी। पापा के लिए? पापा के लिए भी यही लाया। कहाँ से लाया? बॉम्बे से। खाना पहले आप खाओ। पहले मैं देसी घी खाऊंगा। न्यू शूज। जल्दी बैठो। चिड़िया का दाना इसको दे के आओ ना, खुद का बैठी हुई है इसको लेके। ये अभी दीदी को स्कूल छोड़ के आ रही है, अभी खुद का स्कूल जाना है, उसकी खबर नहीं है। नहीं, हमारा गोलू है। स्कूल जाने से पहले बोतल है पियो। इतना छोटा बच्चा है तो स्कूल जाने से पहले बोतल पिएगा? पापा की चाय बनेगी 2 मिनट में। अच्छी चाय है हमारी। नहीं नहीं कर चुके हैं। और मैं अब हर बार नहाता हूँ तो एक जोड़ी जूते धो देता हूँ, तो ये जूते धो दिया जिसको यहाँ टांग देते हैं सूखने के लिए। कल वाले सूखे नहीं अभी तक, सूख गए। फाइनली रितु के दरबार में हमारी अर्जी सुन ली गई। आज हमारे बन गई है बाजरे की रोटी, क्योंकि मेरे को चाय या कॉफी के साथ बहुत पसंद है, बिकॉज ये बहुत हेल्दी होता है, मैं गंद नहीं खाता। तो बिस्किट हमने खाने बिल्कुल बंद कर दिए, ये आपको दिख रहे होंगे रस्क और बिस्किट। अरे तो कितने पुराने हो गए ये? 5-6 महीने तो हो गए इनको, हमने खाए नहीं। अरे राम, 2 महीने से पड़े हैं तो हमने ये खाए नहीं है। मैंने तो छुए भी नहीं। अरे गुजिया भी पड़ी है? ये नहीं, गुजिया तो हेल्दी होती है। हेल्दी। जब तक ऋतु हमारी बाजरे की रोटी बनाती है, क्विक अपडेट ब्लॉग को काट के मैं 2 दिन आगे आ चुका हूँ। मैं हूँ बैंगलोर में और ब्यूटीफुल लोकेशन, और यहाँ पे इवेंट है आज, अन अकेडमी आरम्भ आज 1 PM to 3 PM। अगर आप ये ब्लॉग तब देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करें। एक लाइव इवेंट होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, करण जौहर और कार्तिक आर्यन उसको होस्ट कर रहे हैं, और स्टेज पे बहुत सारे धमाल होने वाले हैं। 4 बड़े सरप्राइजेस भी हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स भी आए हैं, हम भी यहाँ पे आए हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं जेई की या नीट की, ज़रूर देखें इसको। आपके सारे एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, लर्नर्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है एंड मिस ना करना उसको, धमाल होने वाला है। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। चलो और अब चलते हैं अपने व्लॉग में वापस। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है बच्चा बच्चे स्कूल जाए ना, थोड़ी शांति रहती है घर पे। कल स्कूल से आते ही सो गई वो, ऐसा सोई पता नहीं स्कूल में क्या करके आएगी, लेकिन पता है उसको स्कूल लेने चाहिए तू, क्या मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा, मैं भी चलूंगा। चलो तो इसमें भी तुम डाल लें, सेसमे सीड, सफेद तिल, काला तिल, पंपकिन सीड, गुड़ मिला दिया पानी में, ये डालेगा। और साथ में जा रही है गरी, कटा हुआ काजू, कटा हुआ बादाम। माओ गौदा ना के चौ दे, बच्चे भाई नहीं, बच्चे दोनों स्कूल भाग जाते हैं। अब गौदान मिस करते हैं बच्चों के बिना। बाय बाय, टुमारो गिरी चलती है। बियो कहाँ? क्या भैया कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? मम्मा गए कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये क्या लगा है भैया, नेम टैग मिला है क्या? ओले वाह, झूलो झूलो। हाँ झूला दो झूला दो, फिर भैया आपको झुलाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेचारे को झुलाया ही नहीं जा रहा वो, उसको झुलाना थोड़ा सा। तेरा स्कूल तो बहुत बढ़िया यार, देख कितने सारे फ्लावर्स हैं यार। नहीं भैया ये खड़ी हमारी बाइक, आ जाओ। ओ कोई बात नहीं, बाल कटा लिया, हम बन चुके हैं स्मार्ट। माओ चल तू भी स्मार्ट बन जा, आज माओ को हम शेव कराते हैं। सॉरी बात कराएंगे। इट्स रिलीफ लग्जरी डॉग बाथ। अरे भाई साहब तू देखते खुश हो गया। लग्जरी पापा, मुझे लग्जरी चाहिए, पापा लग्जरी चाहिए। अब खाने का नहीं है अभी, हमने माओ को यहाँ बांध दिया सिलेंडर से, और अभी यहाँ दिलाएंगे। चलो 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 चलो। आगे स्कूल से पीछे 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 माउन आ रहा है, पीछे 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 पीछे। ओए ओए आओ, मैं इसी के पीछे निकल जाऊं। अरे ये देखो ये भी नहा ली है मम्मा, पूरी गीली हो गई है देखो। ना लो चलो चल माउन, तेरा तो हो गया पूरा तालाब लगा दिया माउन तूने, पूरी वहां तक चला गया भाई। अरे भैया धूप में लौट ले आ जा, हाँ गंदा हो जा गंदा। पेहड़ी मैं देख रहा हूँ। हाँ यहाँ से
इतने की एक रोटी बनती है? तो 250 ग्राम की एक रोटी होगी, 250 कच्चा है, कच्चा है और आप कैसे पहले खा रहे हो भगवान? सॉरी मैंने खाया नहीं, सॉरी। क्या काम कर रहा है पियू बेटा? करने दो लेकिन क्या कर रहे मेरे बच्चे? पहले कान्हा को खिलाएंगे, फिर अपने गुरुदेव को खिलाएंगे। हे कान्हा, हे गुरुदेव। तो फाइनली हमारे बाजरे की रोटी इतनी क्रिस्प बनी इस बार ना, मतलब मजा आ गया खा के। आप और बन रही है वो और बनेगी। तो हमारे घर में बन रहे आज बाजरे के बिस्किट या बाजरे की रोटी, और बहुत ही क्रिस्पी है ये और बहुत हेल्दी भी है ये, क्योंकि ये बने हैं हमारे खुद के फार्म के घी से और इसमें गुड़ डाला है और बाजरे के हैं ये, बहुत अमेजिंग है। और ये मेरी मम्मा की रेसिपी है जो कि इस औरत ने चुरा ली है। लो खा। चीयर्स, चीयर्स। चीयर्स। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, ऑफिस में सबके लिए ले जा रहे हैं। ये भी सही लग रही है। दो में नहीं है ये दिखाना, ये कॉटन में है ना? ये कॉटन, ये भी अच्छी है। अच्छा ये वाली है, साइन वाली। अपन टी शर्ट्स का साइज डिसाइड कर रहे हैं, ओवर साइज। तो जो जेंजी है उनको ओवर साइज पसंद आती है। तो सर खरीदने की जरूरत क्या, बच्चा अपने पापा की पहन ले। हम तो भाई मतलब फैशन का चल के वाला समझ में नहीं आ रहा ना, फैशन है। भयंकर गर्मी हो गई भाई। तो बाजरे की रोटी हमने खिलाई ऑफिस में, भाई बच्चों को बहुत ही पसंद आई। राज कैसी लगी आपको बाजरे की रोटी? बहुत बढ़िया, हमारी खुद की मम्मी की रेसिपी है मेरी। अरे बैक होम, यहाँ से तो धूप चली गई, यहाँ से निकाल देते हैं। ये दोनों जोड़ी अपने धुल के साफ हो चुके हैं और ये भाई भी अपने धुल के साफ हो चुके हैं ना। चलो इतनी मेहनत करी तुम पे, आज प्यार करवा, चलो प्यार करवा। इतनी देर में आयो आज, क्या खुल नहीं रहा? बाहर खोलो, बाहर की ओर। अच्छा आज क्या पढ़ा स्कूल में? अरे भाई मत बताओ, चलो चार चीजें करनी है आपको, घर आके कराऊंगा। मतलब मैंने पूछ लिया क्या पढ़ाई की। अरे भाई कितना पूछते हो भाई, इनको जो है बड़े होते ही। तो गंदा जाम लगा हुआ है यार, दिन में निकलते ताकि जिम में भीड़ नहीं होगी तो साला सड़क पे भीड़ है, शाम को निकलो सड़क पे भीड़ नहीं तो जिम में भीड़ है यार। कुछ नहीं, ये मोटे मोटे क्रिएटर्स हैं, अर्थ ने चांद का कंटेंट कॉपी कर दिया और एक क्रिएटर्स बना दिए। भाई क्रिएटर्स की वजह से जाम है, अदरवाइज खाली सड़क है, खाली। वर्कआउट कंप्लीट, एक तो मेरा जो गाड़ी साफ करता है उसको मैं हजार बार बोल चुका हूँ, भाई तेरे शीशे ढंग से साफ कर दिया कर मेरे भाई, सूखा कपड़ा मार दिया कर। भाई सूखा कपड़ा मारता ही नहीं है, मेरे पूरे शीशे पे ऐसे ही मार्क्स रहते हैं और मैं इसी में अब गाड़ी चलाने की मेरे को आदत हो गई है। एनीवे सह लेंगे थोड़ा। तो जिम में हम आजकल थोड़े से लोगों के रिएक्शंस ले रहे हैं, हम आपको उनको बीस्ट प्रोटीन पिला रहे हैं और बीस्ट प्रोटीन पी के उनको क्या रिएक्शन आ रहा है हम वो कैप्चर कर रहे हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट रख रहे हैं। हम ऑनेस्ट बोल रहे हैं भाई, ऑनेस्ट रिएक्शन दो। जब मैं माइक लगाता तो लोग पूछते हैं भैया क्या बोलना है, मतलब कुछ अच्छा बोलना है। मैंने कहा भाई जो बोलना है आपको बोलो। तो आज बहुत लोगों को पिलाया तो दो लोगों को अच्छा नहीं भी लगा, हम वो भी डालेंगे बिकॉज यार हम पूरे ट्रस्ट से काम करना चाहते हैं मार्केट में। अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी डालेंगे, लेकिन उन लोगों को क्या अच्छा नहीं लगा, उनको लाइट लगा, एब्जॉर्प्शन रेट में ठीक लगा, ब्लोटिंग उनको नहीं लगी, बट उनको लगा कि टेस्ट समझ में नहीं आया। और एक बंदे को लगा कि मुझे थोड़ा कम मीठा लगा, तो वो मतलब जो हमको आ रहा है वो डालेंगे, तो ज्यादा मीठा पसंद था। हमने कहा ठीक है, बट मोस्टली लोगों को कम मीठा पसंद रहता है, तो हम लोग फिर जो ज्यादा लोगों को पसंद उससे जाएंगे। और एक बंदे को फ्लेवर कहता है, मेरे को थोड़ा ये फ्लेवर थोड़ा कड़वा लगा, एज इन की हमने उसको डार्क चॉकलेट रखा है। तब होता है कुछ लोगों को जैसे डेयरी मिल्क पसंद है और उनको गोरमे चॉकलेट पसंद नहीं आती, तो हमने इसमें वो रखा है। बट जिसका जो डेयरी मिल्क खाता है उसको भी पसंद आती है, मेरे से मुझे पर्सनली डार्क चॉकलेट पसंद आता है। कॉफी रेडी, एक कप कॉफी पीएंगे। और ये हमने मंगाई स्पेशल, बोलते हैं डी कैफिनेटेड, देख रहे हैं डी कैफिनेटेड। शाम को कॉफी पीनी हो 6 बजे के बाद तो फिर ना कैफीन सोने नहीं देती, तो ये डी कैफ है ये सोने देगी मस्त। ये देखो इतने भोले बच्चे, आधी बोतल पिएगा कि पूरी बोतल पिएगा? आधी बोतल, आधी बोतल। आधी बोतल ज्यादा होती, पूरी बोतल दे दो। ये पूरी बोतल नहीं है? नहीं। ये आधी बोतल है? हाँ। ये आधी पूरी बोतल है। तो फिर आधी क्यों पिए मांग रहा तब से? मैं आधी मांग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं छुटंकू। मेरे गोलू का पैर छिल गया ना। हाँ।